हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी नंबर 2 असिस्टेंट लाइनमैन फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि इनका रिजल्ट आ चुका है और आपका डीवी के लिए स्क्रूटनी वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है। और अभी HSSC द्वारा काफ़ी सारे रिजल्ट फाइनल मार्क्स के अभी रिलीज़ कर रहे हैं वो, और काफ़ी हाई कट ऑफ जा रही है उनमें। तो सभी कैंडिडेट्स को ये जानना होता है कि भाई मेरे वाले कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाएगी। एंड दिस इज़ ओनली एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मैं पूरा श्योर नहीं हूँ, बट जितना भी एक्चुअली एनालिसिस हुआ है उसके भी हिसाब पे आई विल टेल यू कि व्हाट विल बी द फाइनल कट ऑफ आफ्टर द डीवी सेशन कैटेगरी नंबर 2 HSSC 11/2009 एडवर्टाइजमेंट नंबर। पोस्ट की अगर यहाँ पे बात करें तो आपकी जो यहाँ पे पोस्ट रही थी आपकी, वो रही थी 183। ठीक है, टोटल यही पोस्ट थी। तो जनरल की अगर बात करें तो कुछ बच्चे कह रहे थे उनका 63, 65, 66 इन पे डीवी आया है। ठीक है, आफ्टर द रिटन एग्ज़ाम, आपके रिटन एग्ज़ाम के रिजल्ट के बाद जो डीवी स्क्रूटनी फॉर्मेट हुआ है तो उसमें क्या कट ऑफ रही है। तो इसमें क्या आपका जनरल का जितना LSS हो पाया है इसके अकॉर्डिंग आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो 85 जा सकती है। ठीक है, और एक कैंडिडेट मेरे से बार बार पूछ रहा था 85 जा सकती है, 80 वो भी जा सकती है। तो ऑब्वियसली यार जा सकती है 85 to 87। BCB की देखो, BCB की यहाँ पर 84 to 85, क्योंकि रिटर्न टेस्ट में BCB वालों ने जनरल से ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे लिया था। 84 to 85 इनकी जा सकती है, लगभग जनरल के आसपास ही रहेगा। BCA में 80 वाला यहाँ पर सेफ रहेगा, जिनकी 80 यहाँ पर बन जाएंगे तो वो यहाँ पर सेफ रहेगा। SC के लिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 68 to 70 वाला यहाँ पर सेफ रहेगा और उनका सिलेक्शन हो सकता है। EWS में हाई कट ऑफ है, बिकॉज़ यहाँ पर EWS की एक ही शीट थी। तो इसके लिए रिटन एग्ज़ाम का भी ये क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया था कि कितने पे DV आया है। दिस इज़ ओनली एक्सपेक्टेड, नॉट दिस इज़ टेम्प्रेरी, दिस इज़ नॉट अ परमानेंट, आई एम नॉट डैम श्योर अबाउट इट। EWS में अगर आपके 90 to 90 above जा रहे हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। ESM का सॉरी गाइज आई कॉन्ट डिटरमाइन इट, ये CND लिखा है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज आई हैव नो एनी काइंड ऑफ डाटा विच बिलोंग टू द ESM कैटेगरी। सो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया है एंड दिस इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ। प्लीज़ डोंट डू एनी काइंड ऑफ वल्गर काइंड ऑफ मैसेजेस इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।